एक सुंदर ऑल अमेरिकन लड़की तौनी अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ सॉल्ट लेक सिटी उटा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी। तौनी का सपना सिंगर बनने का था और उसे जानने वाले तौनी को एक महत्वाकांक्षी अच्छी और ईमानदार लड़की के तौर पर जानते थे, लेकिन यही ईमानदारी उसे अंततः गलत रास्ते में और एक राक्षस की बाहों में ले गया। 2010 के गर्मियों के एक शाम को पुलिस तौनी के कार में मारिवाना के साथ उसे पकड़ लेती है। 17 साल की तौनी को 90 दिनों के लिए जुवेनाइल डिटेंशन भेजा जाता है। वहां तौनी की मुलाकात विक्टोरिया मेंडोजा से होती है। विक्टोरिया एक बुरी अतीत से आई थी। उसके पिता के आत्महत्या के बाद 10 साल की विक्टोरिया स्कूल छोड़कर लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहने लगी। 17 साल की उम्र तक उसका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया था। कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ऐसे ही तौनी विक्टोरिया के प्यार में पड़ गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल थे। तौनी और विक्टोरिया का 4 साल रिश्ता चला। वो रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। दोनों खूब लड़ते थे। कभी कभार तो ये लड़ाई मारपीट तक पहुंचता था और हमेशा तौनी की मारपीट पर खत्म हो जाता था। विक्टोरिया बहुत गुस्से वाली और हिंसक थी। तौनी रिश्ते में आत्मविश्वासी लड़की थी तो विक्टोरिया असुरक्षित और ईर्ष्यालु थी। तौनी सबसे घुलने मिलने वाली हसमुख लड़की थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे और विक्टोरिया को यह सब पसंद नहीं था। तौनी विक्टोरिया की पहली गर्लफ्रेंड थी और उसे हमेशा यही लगता था कि तौनी किसी आदमी के लिए उसे छोड़ देगी और विक्टोरिया हमेशा तौनी को बेवफा होने का आरोप लगाती है। विडंबना तो यह था कि विक्टोरिया ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ संबंध बनाकर तौनी को ही धोखा दे दिया। इसके बाद तौनी विक्टोरिया से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन विक्टोरिया द्वारा माफी मांगने वाले वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उस वीडियो में विक्टोरिया ने दावा किया कि वो बदलेगी, तौनी को अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए वो कुछ भी करेगी और तौनी को किसी और के पास कभी नहीं जाने देगी। लेकिन वादे सिर्फ वादे ही रहे। दोनों के पैचअप के बाद विक्टोरिया और भी कंट्रोलिंग और हिंसक बन गई। तौनी का एक पुरुष दोस्त द्वारा भेजी हुई मैसेज को लेकर दोनों के बीच एक बार इतना झगड़ा हुआ कि विक्टोरिया ने तौनी के मुंह पर मुक्का मारा और उसका एक दांत तोड़ दिया। तौनी और विक्टोरिया ने इस हमले के बारे में परिवार और दोस्तों को झूठ बोला। उन्होंने कहा कि किसी गैंग ने उन पर अटैक किया और उसी हमले में तौनी का दांत टूट गया। 2014 में तौनी ने अपने एक प्रियजन को बताया कि वो विक्टोरिया से अलग होना चाहती है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो विक्टोरिया उसे मार डालेगी और उसका ये डर बिल्कुल सच साबित हुआ। 27 अक्टूबर 2014 को तौनी और विक्टोरिया ऑर्गन सिटी के पास एक पार्टी में जाते हैं। तौनी अपने दोस्तों पर ध्यान दे रही थी और इस वजह से ईर्ष्या करते हुए विक्टोरिया ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया और कहा कि अगर तौनी पार्टी से निकलकर उसके साथ घर नहीं चली तो वो बाहर नहीं आएगी। तौनी विक्टोरिया की बात मान लेती है और वो पार्टी से निकल जाती है। उसी रात के करीब 1 बजे विक्टोरिया अपने एक दोस्त एरन मर्फी को फोन करती है। विक्टोरिया फोन में कहती है कि मैं पागल हो गई थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। एरन कहता है, विक्टोरिया तौनी कहाँ है? विक्टोरिया ने जवाब दिया, वो मर चुकी है। मैंने सच में किसी का जान ली है, वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तुम नहीं समझोगे, मैं पागल हो गई थी, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। एरन तुरंत ही पुलिस को फोन करता है। पुलिस को एक चर्च के पार्किंग लॉट में भेजा जाता है। वहाँ का दृश्य भयानक था। विक्टोरिया जमीन पर लेटी हुई थी और उसके हाथ तौनी के खून से रंगे हुए थे। तौनी कार के एक पैसेंजर सीट पर पड़ी हुई थी। उसके सिर, गला और छाती पर 46 बार चाकू मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि तौनी की मौत सदमा और अत्यधिक खून के बहाव से हुई है। अगर विक्टोरिया ने तौनी को तड़प तड़प कर मरने देने की जगह मदद के लिए फोन लगाई होती तो तौनी शायद बच जाती। विक्टोरिया पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। उसने कोर्ट में दावा किया कि वो ड्राइविंग कर रही थी, तभी तौनी ने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचने लगी। तो उसने चर्च के पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकी और अपने आत्मरक्षा के लिए तौनी पर हमला किया, लेकिन तौनी के गांव उसके शरीर के दाएं ओर थे। इसका मतलब था कि विक्टोरिया नहीं तौनी गाड़ी चला रही थी। जब दोनों घर लौट रहे तो तौनी का पुरुष दोस्त को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आई विक्टोरिया अपने जेब से 4 इंच का चाकू निकालकर तौनी पर बार बार हमला करने लगी। हमले के बाद विक्टोरिया ने गाड़ी पार्किंग लॉट में लगाई और तौनी के शरीर को पैसेंजर सीट में डाला और उसे धीरे धीरे मरते हुए देखने लगी। विक्टोरिया के 16 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा हुआ। वो अभी उटा के स्टेट प्रिजन में है। 2020 में विक्टोरिया अचानक सोशल मीडिया में दिखने लगी। तौनी के परिवार वालों को ये बहुत बड़ा शौक था। विक्टोरिया टिकटॉक पर अपना वीडियो डालने लगी और उसके 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हो गए। ये सभी को बहुत चौंका दिया कि सजा काट रही कैदी के पास फोन कहां से आया और वो सोशल मीडिया में कैसे दिखने लगी। विक्टोरिया यही नहीं रुकी, वो यूट्यूब चैनल भी बना लेती है। अजीब तो ये था कि इन सब वीडियो में विक्टोरिया अपने सपनों के बारे में बात कर रही थी, ना ही अपने जुर्म के बारे में। ये बवाल होने के बाद जांच में पता चला कि कोविड-19 के समय कैदियों को अपने परिवार के लोगों से मुलाकात के लिए रोक लगाया गया था और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी कराया गया था और इसी मौके का फायदा विक्टोरिया ने उठाया और बन गई सोशल मीडिया स्टार। अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि क्या विक्टोरिया के परिवार वालों ने उसका वीडियो चैट रिकॉर्ड करके अपलोड किया या खुद विक्टोरिया ने। लेकिन विक्टोरिया ने जिसको 46 बार चाकू घोंप कर धीरे धीरे तड़पा कर मार डाला, उस टॉनी बर्ड के साथ उसके परिवार वाले बात कर सके ऐसा फोन नहीं है, तो उसके खूनी के लिए ये सहूलियत क्यों मिले? फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।